हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईक्यू फ़ोन है, तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में डाटा सेवर मोड है, तो डाटा सेवर मोड को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, देख सकते हैं कि शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही आइकन इस तरीके से ओपन ही आएंगे। तो इसमें से आपको क्लिक कर देना होगा सेटिंग्स आइकन पे। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है आपके फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में डाटा सेवर मोड है, तो डाटा सेवर मोड को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं आईक्यू फ़ोन में, सिंपल आपको सर्च करना है डाटा सेवर मोड। तो डाटा सेवर मोड आपका ऑप्शन ओपन ही आएगा, जहाँ से इस तरीके से ओपन कर पाएंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से ऑन कर सकते हैं। ऑन करते ही जो डाटा सेवर मोड है आपका ऑन हो जाएगा, इससे आपने फ़ोन का जो डाटा होता है उसको सेव कर सकते हैं और सेव करके आपके फ़ोन में स्टोर हो जाएगा। और ऑफ़ करने के डाटा सेवर मोड आपका ऑफ भी रहता है। तो इस तरीके से डाटा सेवर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है सर्चिंग सेटिंग में, तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी डाटा सेवर मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आईक्यू फ़ोन में सिंपली जैसे आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है, सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स आपके फ़ोन में शो हो जाएगी, जहाँ से आपको इंटरनेट नेटवर्क पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सेटिंग्स ओपन आती है, जहाँ से आपको क्लिक कर देना होगा डाटा सेवर मोड पे, जहाँ से डाटा सेवर मोड को आप इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और अपने मोबाइल डाटा को सेव कर सकते हैं। इससे आपका मोबाइल डाटा सेव हो जाता है और अपने बाकी डाटा भी इसके जरिए सेव कर पाएंगे। और ऑफ़ कर देंगे तो आपका डाटा सेव नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से डाटा सेवर मोड को इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पर जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।